तो यहाँ पर हम सबसे पहले 8, 18, 650 बैटरी का यूज करेंगे, उन सभी को ग्लू गन की मदद से चिपका के सभी के पॉजिटिव को एक साथ सोल्डर कर देंगे और सभी के नेगेटिव को एक साथ सोल्डर करके एक पैक बना देंगे। यहाँ पर हम सन बोर्ड के ऊपर सभी बैटरी को रख देंगे और उसके आगे यहाँ पर हम एक पावर बैंक मॉड्यूल का यूज करेंगे। ये वाला पावर बैंक का मॉड्यूल मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, तो आप अगर लेना चाहो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर ये वाले पावर बैंक मॉड्यूल में डिस्प्ले भी मिलता है, यहाँ पर एप्पल का पोर्ट भी मिलता है, टाइप सी, टाइप नॉर्मल, माइक्रो सभी मिल जाते हैं और इजीली ये सबसे बेस्ट पावर बैंक मॉड्यूल है। और यहाँ पर हम पावर बैंक का जो बॉडी है उसको सन बोर्ड की मदद से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सन बोर्ड की मदद से बॉडी बना देंगे। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर जो बैटरी का पैक है वहां से हम दो वायर निकाल लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पावर बैंक मॉड्यूल का यूज करके बहुत इजीली हम पावर बैंक बना सकते हैं। सिर्फ दो सोल्डरिंग की मदद से आप एक पावर बैंक बना सकते हैं। यहाँ पर ये वाला मॉड्यूल को चिपकाने के लिए मैं डबल साइड टेप का यूज करूँगा। आप ग्लू गन की मदद मत लेना, डबल साइड टेप का यूज करना, जिसकी मदद से लीक होगा तो ग्लू गन निकलेगा नहीं। यहाँ पर डिजाइन करने के लिए मैंने कलरिंग टेप्स का यूज किया है। यहाँ पे जो पीछे है वो सनबोर्ड है, लेकिन यहाँ पर आगे बहुत मोटा सनबोर्ड हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर पतले पीवीसी पाइप के सीट का यूज करूंगा। उसकी मदद से मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ इस डायमीटर के हमने पीवीसी सीट को कट कर लिया है। भाई यहाँ पर बहुत मेहनत लगी है इन छोटे छोटे पीसेस को कट करने में, और इन सभी की मदद से यहाँ पे मैं आगे की जो ये मॉड्यूल वाला पार्ट है उन सभी पार्ट को इस तरह से मैं ढक दूंगा। टेप की मदद से अच्छी तरह से डिजाइन बना देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने तकरीबन 15,000 mAh की बैटरी का यूज किया है। तो सिंपली यहाँ पर स्क्रीन पावर बटन को ऑन करते हुए डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 97% बैटरी है। पावर बैंक बेसिकली जिस काम के लिए होता है, नॉर्मली हम मोबाइल को चार्ज करके दिखाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक फोन है, मैं उसको इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर इस मॉड्यूल की मदद से आप बहुत फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पोर्ट का भी हम यूज़ करेंगे। मैंने एक स्पीकर बनाया था बहुत टाइम पहले, आप अगर देखना चाहो तो इसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसको भी हम कनेक्ट करके देखते हैं, ये साथ में दो पोर्ट की मदद से हम दो डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो ये पावर बैंक की मदद से ये ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज हो रहा है।